यह खूबसूरत स्थान हरदोई जिले का धुबिया आश्रम है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। आश्रम में कई मंदिर हैं जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत तो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की सुंदरता और धार्मिकता में खो जाने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही एक बार 2019 में यहाँ क्षेत्रीय विधायक श्याम प्रकाश भी आए थे। वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन वो दिन कुछ खास ही था। इस दिन उन्होंने यहाँ सार्वजनिक स्नानागार बनवाने की घोषणा की थी। कुछ दिनों में यहाँ शिलान्यास का पत्थर भी लग गया, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि विधायक श्याम प्रकाश जी ने 25 लाख रुपए की लागत से बने सार्वजनिक स्नानागार का शिलान्यास किया है। तब से 3 वर्ष होने को है नेताजी फिर से विधायक चुन लिए गए, लेकिन आज तक यहाँ स्नानागार के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। अब आप ही सुनिए क्या कहते हैं आश्रम के महंत नारायणानंद जी महाराज। ये विधायक निधि योजना के तहत जो है इसको बनवाया गया है। ये है क्या, ये एक्चुअली स्नानागार, यहाँ सार्वजनिक जो है स्नानागार सब, यानी कॉमन जो बाथरूम है, सबके नहाने के लिए स्थान है, वो कॉमन तौर पे बनना है। इसका शिलान्यास किया गया, कब किया गया था, ये 8/2019। किसने किया था, विधायक श्याम प्रकाश जी है, ये यहाँ के विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, अभी भी मौजूदा वर्तमान में विधायक हैं। और ये हुआ, हाँ ये कब हुआ था, 25 लाख का ये है, 25 लाख का प्रोजेक्ट था जो स्नानागार बनना था। और तो अब अभी हम आपको चलो स्नानागार घुमाते हैं। ये जो 25 लाख का हो गया शिलान्यास हो गया, आप चलो यहाँ अभी आप महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी से उसका रास्ता पूछेंगे कि ये स्नानागार का रास्ता कहाँ जिसमें 25 लाख रुपए लगे थे। बाबा ये कहाँ पर है, ये स्नानागार अभी बना ही नहीं महाराज, कागजों पर है ये जी, कागजों पर पत्थर में है केवल। ये कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सिर्फ पत्थर ही लगा, सिर्फ पत्थर ही लगा, दोबारा कोई आया ही नहीं। हम गए भी 2-4 बार, कहा भी लोगों से, कहलाया भी नेताओं से, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, ये सिर्फ पत्थर में ही रह गया 25 लाख, और कोई स्नानागार जैसे कोई यहाँ कुछ भी एक पैसे काम नहीं हुआ। बाकी ये स्नानागार बनना कहाँ पर था, बनना यहीं पे आगे था। अच्छा, ये स्नानागार इधर पर बनना था। अच्छा, ये स्नानागार बनना था यहाँ पर, इसके लिए बाकायदा पत्थर लग गया। पत्थर पहले लग जाते हैं, काम पहले, उसका गुणगान पहले हो जाता कि अगर यहाँ कोई, अगर कोई आम श्रद्धालु आप आ रहे हैं और अगर आपने ये पत्थर देखा तो आपको लगेगा ये जो है स्नानागार है। लेकिन अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो है यहाँ खो जाएं, कि मतलब ढूंढते ढूंढते खो जाएं, स्नानागार आपको ढूंढे ना मिले। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं, ये पाइप ऐसा है, ये पाइप पीपल के जल से पानी था। अच्छा, ये पीपल के जल से पानी था, 1992 में राजा दुगला जी ने इसका घाट बनवाया, जिस समय तो घाट बनवाने में पाइप डाल के और यहाँ पे पानी निकाला था, पीपल की जड़ से पानी निकल रहा बराबर। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये स्रोत यहाँ पर सबसे खूबी है, आप ये पानी देख सकते हो। आप अगर वर्तमान में गोमती नदी जाएं, गंगा नदी जाएं, तो वहाँ आपको एकदम इतना क्रिस्टल वाटर नहीं मिलेगा, इतना साफ पानी नहीं मिलेगा। आप ये पानी देखिए, आप यहाँ का पानी कहना तौहीन होगी, ये जल है यहाँ का। और ये भी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जल देखिए कितना स्वच्छ है, कितना ठंडा है। और इसका कारण है क्योंकि ये कहीं से आ नहीं रहा है। ये जैसे आप, अगर आप गंगा का अगर जल से स्नान करते हैं, आप गंगोत्री जाते हैं, तो गंगोत्री से आप शुद्ध पहले पानी लेना चाहते हैं, तो वो जल यहीं से निकल रहा है। ये बाबा जी ने भी बताया कि ये देखिए यहाँ से ये आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है भैया, दिखाओ जरा क्लोज से। ये जो जल आ रहा है, ये पीपल के पेड़ के नीचे एक स्रोत है, जड़ों से, तो वहाँ से निकल रहा है। तो महाराज, ये जो स्रोत है, ये ऐसे कितने स्रोत हैं? ऐसे कई एक स्रोत है, 200 स्रोत हैं आश्रम में। अच्छा। ये नदी के किनारे किनारे जो बराबर पर पानी चलता ही रहता है। अच्छा, ये बस एक कमी एक यहाँ पर ये भी है कि अगर लोग आए स्वच्छ जल से नहाना चाहें तो वो व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं, उसी व्यवस्था के लिए 25 लाख मंजूर किए थे, लेकिन वो पत्थर लग गया, दोबारा काम नहीं हुआ। तो देख लीजिए, विधायक जी श्याम प्रकाश जी, आपकी आपके ही ग्राम सभा, आपके विधानसभा का ये हाल है कि ऐसा हो कि आप स्नानागार के बजाय लोग पत्थर पे एक लोटा पानी डाल के निकल जाएं, तो उससे बचिए और काम करवाइए यहाँ पर, ताकि लोगों के लिए जो है सहूलियत हो। लोग आते हैं इतने शुद्ध, इतने स्वच्छ वाटर से, इतने शुद्ध पानी से, जल से नहाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था करवाइए। यहाँ कम से कम एक स्नानागार होना चाहिए। लेकिन यहाँ कपड़े बदलने के लिए कोई जगह नहीं, वही स्नानागार बनाने के लिए कहा गया था। यहाँ थोड़ा सौंदर्यीकरण के लिए कहा था, पत्थर लगवा देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं। जब कोई दोबारा आया ही नहीं, गए 2-4 बार, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ।
ये जल कहाँ तक जाता है बाबा? ये आगे गोमती जी हैं, 2.5 किलोमीटर अच्छा, गोमती नदी में मिल गया जाके यहाँ से। ये देखिए, ये आपको हैरत, मुझे लगता है यूपी में ऐसा पहला स्थान है। यूपी में दूसरा स्थान आई है जहाँ से पानी निकला। यूपी में सन 1990 में यूपी और उत्तराखंड दोनों एक थे। उस पीरियड में यहाँ पर्यटन अधिकारी आए थे तो उन्होंने यूपी का दूसरा नंबर इसको प्राकृतिक छटाओं में घोषित किया था। अच्छा, दूसरा। अब चूंकि उत्तराखंड अलग हो गया है, उत्तराखंड अलग हो गया जी, पहला एक नंबर में। क्योंकि यहाँ एक तो प्राकृतिक, तो आप देखिए चारों तरफ, भैया दिखाओ जरा कैमरा से, चारों तरफ आप देखिए सिर्फ जंगल ही जंगल है। अगर आपने चिड़ियों की यहाँ चहचहाट नहीं सुनी है, अगर आपने आप जंगल आप शहरों में रहते हैं चिड़ियों की चहचहाट, यहाँ झींगुर की झंझनाहट आपको सुनना है तो आइए यहाँ पर, प्रकृति का अनुपम नज़ारा देखिए, घूमिए यहाँ पर, और आपको चारों तरफ जो और शुद्ध जल है यहाँ पर, यहाँ से निकला है ये उद्गम स्थल। अगर आप गंगोत्री नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर आइए, गोमती का उद्गम स्थल तो अलग है, लेकिन ये यहाँ जो पानी निकला है, जल निकला है, ये भी सीधे गोमती में मिला है। महाभारत कालीन सभ्यता यहाँ है, महाभारत काल से जुड़े हुए हैं।